to right, sir. सर यहाँ पे सर स्टैंड ले लीजिए सर यहाँ पे राइट साइड मोबाइल मत माना कर दो ने बोला और बाहर करा सर सर लुक देख सर अरे वो पीछे कौन है हट ना अरे अरे हट सॉरी रणवीर सर सामने बाजीराव एकदम सामने आपके आपके यहाँ पे यहाँ सर स्ट्रेट है सर भाई हिलाओ मत ना कोई यार पीछे से दादा बाजीराव तो यहाँ पे गाना कट करो पहले तेरा देख हाइट कितना है विजय हाइट कितनी है रेवड़ी ट्रैपोर्ट ना ट्रैपोर्ट मैं थोड़ा खाली बसा ना अजून पहले दाखव फ्रेम तोर करू का हॉटस्पॉट ट्रैपोर्ट ट्रैपोर्ट एवढं देणार ना हा ठीक आहे मी अजून खाली जाणार आहे अच्छा चालेल सुंदर की लेन सर लोक कॅमेरा भी लगाए ना इधर और सर छाव नहीं होता क्या कर दे ये लो हट जाए हां 500 रुपये सर ओके वाले बड़ा ऑटो बड़ा तो चुप कर रहे इधर ही आगे करो मैं भी बोलता रहता कास्ट के लिए कट करो कट करो इट्स रोलिंग एंड बॉयज रेडी साउंड ए डेरे डेरे पीछे ओके डेरे शॉट करेगा ओके साउंड साउंड अरे साउंड दादा कट करो साउंड रोलिंग एंड साउंड कट 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 रोल रोलिंग एंड साउंड Last!
केवल केवल उसको यहाँ ध्यान दे रहे हैं अरे दादा आप लोग पीछे चले जाओ केबल पे हम आ रहे हैं यार कैमरा हम कैसे क्या फिर तुम लोग आगे रोलिंग 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 एक्शन लुक क्यों हिल रहा है भाई हिलने का मतलब पीछे वो आगे लेंगे ना हमको तुमको नहीं मालूम तुमको इधर नहीं आओगे वापस हमारी तो नहीं ओए धीरे धीरे ऊपर जाना नीचे रहे फोकस देना प्लीज वेट जस्ट होल्ड ऑन हाथ थोड़ा नीचे थर्मल पीछे परफेक्ट शार्प एक बार हाथ ला के देना परफेक्ट रेडी कैमरा हाथ ऐसा नहीं मोड़ना भाई ये हाथ ना ऐसा रहना चाहिए तो ये ब्लॉक दिखेगा फर्स्ट मार्क पैर वाला
ये मतलब आप लास्ट इसका आना और आपका ब्लॉक का और जल्दी भाग पैर वाला उसके बाद वो छोड़ देना ठीक है। वो मैं गिन लेता हूं तो चाकू लॉक में ही है ना, इसमें ही छोड़ गया सर पकड़ के देता हूँ मामले जा रहा वो चाकू गिरा दिया चाकू कैसे करूँगा यही सब फेंक पैर मारा तो मैं घुमा के फेंकते हाँ जल्दी लो दे दे एक का सकते एक सेकंड के लिए पांच तैयार जीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते अभी माते आगे का डायलॉग है आप उनको ले जाओ रेडी रेडी यहां से पैन कर लो हां पैन कर दो रोल कैमरा एंड एक्शन जीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते कभी मौत दे सकती ओपन रोलिंग एंड एक्शन ओके टाइमिंग है या स्टैंड बाय टू एक्शन निकल रहा है ठीक है रोल रोलिंग एंड 1 2 3 एक्शन ये एक्शन पर तू ये मत कर एक्शन तो सीधा मार 1 तो निकल 1 पे मैं निकल अच्छा 1 पे वो निकल गए एक्शन पे ठीक है एक्शन रोल रोलिंग 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 3 2 1 एक्शन जीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते कभी तो मार दे सकते थैंक यू नीचे लाइट थोड़ा लाइट आ रहा है अगर नीचे लाइट बंद कर दे पीछे लाइट बंद करो नहीं बंद होगा बंद होगा चलो थैंक यू अरे बाबा हटो ये इन हाउस वाले सर सर वन स्टेप आगे सर आगे आगे सर वन स्टेप आगे बाजीराव सर और कुछ दीवानी हो बाजीराव नूप ये कुछ पिक्चर बना दी थैंक यू अरे वन मोर क्या बात है समझ बना चलो इतना टाइम रुके फोटो मिला ओ दीपिका दीपिका पार्टी अरे आज टेली नाही ना अरे वेट अरे तुला प्रॉब्लेम नाही तुला प्रॉब्लेम आहे 1 वाजता आलोय 12 वाजता ऐसा बोलू नको भाई 12 वाजता आले फोटो काढून दे थांब दीपिका जी यहां पे हां मैम थोड़ा इधर मैम दीपिका जी मोर सेंटर अरे इधर रोड सेंटर हां मैम लेफ्ट बस थोड़ा करना था उस पे जाना गुड्डे आ गए इधर जाना अपना
अरे यार गीत में गुंडे आ गए थे, आई डोंट नो क्या दुश्मनी क्या है आपकी गुंडों से? मैं नहीं जानता वो कौन थे। ये रूठ गया, ये गुस्सा होना, ये लड़ाइयाँ करना, ये वही होता है जब सच्चा प्यार होता है। पीछे पीछे को खत्म कर, पर एक दूसरे से बात करना बंद कर। निकलो संस्कार वो हमने हेल्प की क्योंकि संस्कार को तकलीफ थी। और जहाँ प्यार हो वहाँ ऐसी लंबी खामोशी नहीं होती। सर आपकी लाइन। और जहाँ प्यार हो वहाँ ऐसी लंबी खामोशी नहीं होती क्योंकि ये प्यार इश्क सब बड़ा स्ट्रेंज टाइप का होता है। प्यार इश्क का मामला ना बहुत स्ट्रेंज टाइप का होता है, टेंशन मत ले ज़्यादा। मैम की लाइन। जो तूफानी दरिया से बगावत करे वो इश्क। जो खड़े दरबार में दुनिया से लड़ जाए वो इश्क। खैर आपके गज केस में खैर जो भरे दरबार में दुनिया से लड़ जाए वो आपके केस में भरे कैफे में जो गुंडों से लड़ जाए वो। मैम आपकी लाइन। हम तो यहाँ प्रमोशन के लिए आए हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तय कर लीजिए उसमें तुम्हें संस्कार चाहिए या फिर नाराजगी और अकेला चाहिए। हाँ वहाँ का एक्सपीरियंस ये था कि ड्रामा करके हमें तो खुशी मिलती थी लेकिन मेरे घर वालों को और खुशी नहीं मिलती थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूँ। मैंने इंजीनियरिंग का प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई किया था, कुछ समय जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई